टू इलेक्शंस फॉर द राइट सिलेक्शन। दोस्तों, चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, उम्मीदवार जोरों शोरों से प्रचार में लगे हुए हैं। आइए जानते हैं ऐसे मौके पे क्या है लोगों का कहना। आपके पास अगर उम्मीदवार वोट मांगने आते हैं तो आप उम्मीदवार से सबसे पहला सवाल क्या करेंगे? क्या गारंटी कि आप आवाम को धूप से साए में ले आएंगे जीतने के बाद? और आपसे पहले कई लोगों ने इस बात मतलब वोट के लिए ही सवाल किया है, तो आज हम लोगों ने आज कहना है कि बचपन से लेकर आज जवानी से आज बुढ़ापे में कदम रख लिया। लेकिन कोई उम्मीदवार, खैर किसी को हमको बुरा नहीं कहना है, आज तक वो काम कोई कर नहीं पाया जो दिल को सुकून पहुंचे या हमारे समस्या या हमारे मसाइल हल हों। पहला सवाल ये करूंगी, पहले संडास बना और घरों में नल लगा और सत्ता कर, जब आके वोट ले, वोट तुझे देंगे, जब नहीं दिए तो बोलना हमको, हम वोट देने को तैयार है, लेकिन वोट लेने के बाद तेरे हाफिज पे जाएंगे, तू हका लेगा तो जब कौन ये करेंगे? अभी नहीं लिए तक का तू पॉलिसी करता है, ये पॉलिसी करना छोड़ दे। सबसे पहले तो यही पूछना चाहूँगा, वो किस मुद्दे पर वोट मांगना चाहते हैं? अगर मुद्दा हमारे समझ में आता है तो ही हम उनको वोट देना बेहतर समझेंगे। हम नहीं चाहेंगे कि हमारे सामने ऐसा कोई उम्मीदवार आए कि जो हमेशा की तरह हमको सरकार दे। हम बेहतर उसको समझेंगे कि हमारी बातों पर खरा उतरे। हम क्या पूछेंगे कि अभी तो राशन में कुछ देता ही नहीं, अभी ये 2 महीना खाली आया है, 2-3 रुपये से कुछ देता है, लेकिन पहला तो कार्ड हमारा ऐसे ही पड़े रहता है घर पे। अभी बोलते हैं सब देंगे, हम लोग बोलते हैं सब सस्ता ही तो है नहीं, अभी तो खाली यही है कि पहला जो राज करता है उसको छोड़ दो, दूसरे को बिठा के देखो कि क्या करता है, वो सस्ता ही मांगता है हमको, बाकी कुछ नहीं, कुछ फ़ायदा ही नहीं है। ये आया सब सिलेंडर से सब महंगा किया, जिसके पास पैसा है वो लेंगे, नहीं है पैसा तो क्या करेंगे वो। सबसे पहले मेन चीज़ वो देखना पड़ेगा उनकी छवि से है, मुझे कोई पार्टी से लेना देना नहीं है, मैं साफ सुथरा नेता चाहता हूँ। हमारी जो अर्थव्यवस्था डगमगा गई है उस चीज़ को कौन कंट्रोल कर सकता है, महंगाई पे कौन काबू कर सकता है, उस मुताबिक हम नेता का चुनाव कर सकते हैं। देश के लिए आप करते हो और सीधा साफ सफाई से करो ना, आप वोट लेते हैं बाद में कुछ नहीं करते, कुछ काम नहीं करते, खाली वोट के लिए तुम वाह करते, हाथ जोड़ते, तो फिर वोट मांगने के लिए आप आते तो फिर कुछ करो ना हमारे लिए, तो हमको तसल्ली होती है कि बाबा तुम वोट लेते तो कुछ करते। क्या इंसान जब जीत जाता है इलेक्शन में, जीत कर जब वो बरसरे इख्तदार आ जाता है, तो वो कसम खाता है कि हम गरीब आवाम के साथ ये करेंगे, गरीब आवाम के साथ, आम आदमी के साथ हम ये करेंगे, हम अच्छा करेंगे, हम अच्छा सलूक करेंगे। लेकिन वो कसम खाने के बाद, पक्का मिनिस्टर बनने के बाद, वो भूल जाता है कि हमने क्या कहा, क्या वादे किए, और वो अमल करो, वैसा करो जनता के साथ नहीं होता। इस चुनाव में आपके हिसाब से मुख्य मुद्दा क्या होना चाहिए? सबसे पहला मसला करप्शन का है, दूसरा महंगाई का है, तीसरा बच्चों की पढ़ाई का है, और चौथा है भाईचारगी। तो आप महंगाई को जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि महंगाई ख़त्म करेंगे और करप्शन को ख़त्म करेंगे और बच्चों की पढ़ाई और भाईचारगी लाएंगे, तो आप में से जो भी इस चीज़ और इस काम को, इस वादे को पूरा करेगा, हम इस चीज़ को, वोट को उसके लिए तैयार हैं, हम वोट देने के लिए तैयार हैं। मौसम ये भ्रष्टाचार है जो कुछ होता है ऐसा बाहर, अपना लड़की लोग के ऊपर, महिलाओं के ऊपर कुछ होता है, वो सब बंद होना चाहिए, और चोरी बिरी सब होता है ना बाहर कितना, वो बंद होना चाहिए, उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं करता है, ऐसा ही छोड़ देता है, फिर वो बढ़ जाता है, वो कम होना चाहिए, महंगाई कम होना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है जो अभी जो चल रही है अभी की राजनीति, किसी इलेक्शन में कोई महंगाई के ऊपर, कोई करप्शन के ऊपर, ये ठीक है, महंगाई तो है, करप्शन है, भ्रष्टाचार है, सब कुछ है, मगर हमारी देश की एकता जो आज इस तरह बिखर गई है कि कहने के लिए कुछ शब्द के अल्फाज मेरे पास नहीं है जो उस चीज़ को मैं अपने आप व्यक्त करूं। एक नेतागण एक दूसरे को गाली देना, एक दूसरे को ये करना, वो कीचड़ उछालना, ये उछालना, मैं सबसे यही करना चाहता हूं कि हमारी देश की एकता बढ़े, फिर हमारे देश वो ऑटोमेटिक आगे बढ़ेगा। मुख्य मुद्दा यही है कि जो भ्रष्टाचार चला है देश भर में, उसको आप ये करो ना, समाप्त करो ना, वो सब आप कुछ भी नहीं करते, जो अत्याचार होता है उसको
अनदेखा करके आप छोड़ देते हैं और महंगाई तो इतनी बढ़ जा रही है, रोज की रोजी रोटी जो कमाता है वो खाएगा क्या? तो उसके लिए तो आप कुछ करो ना, तो वोट देने से कुछ फायदा होगा हमें? मेरा मुख्य मुद्दा ये है कि इस वक्त बच्चों को देखना चाहिए, बड़े बड़े मिनिस्टर हैं वो बच्चों को देखें, गरीब बच्चों को देखें, और बहुत यानी बड़े बड़े बस्ते बनाते चले जा रहे हैं और इतना इतना बच्चा उठा नहीं पाता, इतने बस्ते होते हैं, और ये प्राइवेट जो स्कूल हैं बहुत महंगे महंगे फीस लेते हैं, और गरीब आदमी कहाँ से लाएगा बेचारा? एक भाजी बेचने वाला अपने बच्चे को सोचता है कि हम अच्छा पढ़वा लें, अच्छा उसको काबिल बना लें, लेकिन नहीं हो पाता, और नाम लिखवाने जाओ तो सही सीधे मुँह बात नहीं करते हैं, कहते हैं मुँह से कि हम गरीब का ख्याल करेंगे, गरीब का साथ देंगे, गरीब को उठाएंगे ऊपर, लेकिन अमल किसी का नहीं है, कि चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे किसी का भी हो, ये जो कर रहे हैं तो गरीबों के लिए नहीं कर रहे। अगर आप खुद एक कैंडिडेट होते तो लोगों से किस मुद्दे पर और किस तरह से वोट मांगते? कि अगर मैं सही उम्मीदवार होता तो लोगों से वोट मांगने की मुझे ज़रूरत नहीं होती, और अगर मैं गलत उम्मीदवार हूँ तो लाख लोगों से वोट मांगूँ, लाख लोगों के वहाँ जलसे या जो रैली निकालूँ, लेकिन लोग मुझे वोट नहीं देते। अगर आपका एमपी आपके सामने आ जाए तो क्या आप उसे इज्जत दोगे? सम्मान तो उसके काम से किया जाता है, उस काम को अंजाम दिया और उस काम को पूरा किया तो हम उनका सम्मान करेंगे बेशक। सब काम अगर अच्छा करे तो जब सब दुआ देंगे, अगर काम नहीं करे और जब वोट जीतने के बाद हटा दिए तो फिर हम तुमको बद्दुआ देंगे। करप्शन भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे आपकी निगाह में क्या इस चुनाव से जोड़े जा सकते हैं? इस पर एक मिसाल मुझे याद आती है कि उसको समझा भी दूंगा कि चोरी से बचा माल जो होता है वो फाल खुलाई में चला जाता है, यानी इसको आसान लफ्ज़ों में यूं कहना सही होगा कि एक घर है जिसमें सारा माल चोरी हो गया, टीवी, फ्रिज, जितनी भी चीज़ें थीं, दागीने, गहने, सोना चांदी सब चोरी हो गया, मगर वो बेचारा रो धो के सब तरफ तड़प रहा है कि मुझे कम से कम कुछ नहीं, उसकी आंखें तड़प के ढूंढ रही हैं कि वो चोर मिल जाए कि जिसने ऐसा सारा सामान लिया है। उसके पास कुछ भी नहीं बचा लेकिन उसकी जेब में 500 रुपए का नोट पड़ा हुआ है। एक आदमी आता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें बता दूंगा कि वो चोर कौन है, मगर उसकी फ़ीस 500 रुपए होगी, और वो 500 रुपए भी उसे निकाल कर दे देता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो चोरी से बच गया था वो 500 वो भी उसके हाथ से ले लिया गया। हकीकत भी यही है, जो हमसे ये कह रहे हैं कि हम आपको इस झंझट से निकाल देंगे, बचा लेंगे, इस परेशानी से निकाल देंगे, क्या ये वो बचा हुआ 500 रुपया तो नहीं लेने के लिए आ रहे हैं? चुनाव में अगर कोई आपका वोट खरीदना चाहे तो आप क्या करेंगे? वोट जो है वो बिकने वाली चीज़ तो नहीं, खैर बिकती तो हर चीज़ है, लेकिन अगर उसने अपने वोट को बेचा तो यानी वोट को नहीं, उसने अपने आप को बेचा और अपने ज़मीर को, अपनी आत्मा को बेचा, और वो भी 5 बरसों के लिए बेचा, और इस वोट से अगर उसका मिसयूज़ या उसका गलत इस्तेमाल होता है तो हर लम्हा, हर मिनट, हर सेकंड अगर उसकी आत्मा अगर ज़िंदा है या उसका ज़मीर ज़िंदा है तो उसे फीलिंग होगा, और एक ईमानदार आदमी अपने वोट को बेचता नहीं। पैसा लेके फ़ायदा नहीं, हम लोग बोलेंगे पैसा तो मांगता ही नहीं, हमको जिसको वोट देने का है उसको ही हम लोग देंगे। तब भ्रष्टाचार होता है वो होता ही रहेगा, पैसा खरीदने से क्या वो फिर आएंगे, फिर वही करेंगे। देखिए जहाँ तक बात है वोट खरीदने की और बेचने की बात, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। वो खरीदने की चीज़ ही नहीं है ना, वो कैसा आप खरीद सकते, वो हमारा वोट है, हम जिसके जो अच्छा आदमी हो, जो सब कुछ करने वाला हो उसको ही देंगे ना, हम खूब हमारा वोट बेचेंगे। हमारे जैसे बहुत से लोग ये कह रहे हैं करप्शन बहुत हो रहा है, ये एक किस्म का लूट फांदा ही है कि हम पैसा लेके वोट दें, ये भी एक करप्शन है। हम मुंह से तो कहते हैं कि करप्शन ख़राब चीज़ है, लेकिन अमल हमारा खुद ख़राब अगर है तो बेकार है। वोट पैसा लेके डालने से कितना पैसा दे देगा वो, 10-20 हज़ार, 50 हज़ार दे देगा, क्या किसी का भविष्य हमारे बच्चों का सही कर देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। हमें उस आदमी को वोट देना है जो सही ईमानदारी से चलाए देश को। सवालों का ये सिलसिला जारी रहेगा, हम फिर मिलेंगे, क्योंकि आपकी आवाज़ ही देश की आवाज़ है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।